हेलो एंड हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का राइट वे ऑफ नॉलेज चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, कोरोना वायरस जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, मुझे लगता है कि वो बीमारी या तो है या फिर उसको दिखाने की कोशिश कराई जा रही है बहुत बड़ा चढ़ाकर। तो इसी को चर्चा करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, एक ऐसी सीरीज हमने लॉन्च करी है जिसमें जो सीरीज इस जहरीले माहौल को कम करने का काम करेगी, इस जहरीले माहौल में अमृत घोलने का काम करेगी। तो चलिए चलते हैं, हम सबसे पहले मिलते हैं हमारे सिंगर और एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट से, मिस्टर रजत। तो मिस्टर रजत, सबसे पहले ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। बिल्कुल जी, तो प्लीज़ अपने बारे में बताइए कि ताकि वो आपके बारे में जान सकें कि आप में वो कैसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम, पूरा नाम रजत मौर्य है जी। और आप कहाँ रहते हैं? मैं मीरसराय में रहता हूँ। अच्छा, बदायूं? बदायूं मीरसराय में। अच्छा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? इस टाइम तो 12th पास। अच्छा, 12th पास कर लिया है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं? कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने म्यूजिक की शुरुआत कब से करी? आपको कब से लगा कि मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए? आई थिंक शायद सन 2016 से। सन 2016 से? क्यों, ऐसा क्यों 2016 से, उससे पहले क्यों नहीं? क्या उससे पहले आपको इतना अवेयरनेस नहीं थी, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था? उससे पहले जो हमारे इंडिया में बच्चों को फोर्स किया जाता कि बेटा पढ़ो, एजुकेशन और म्यूजिक डांस के लिए अलाउ नहीं करते हैं। जी जी, जब बच्चा समझदार हो जाता है तब सोचने लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। तो बस 16 में बस मुझे अपने बारे में यही पता चला, तब मैंने सोचा कि म्यूजिक, आई थिंक मुझे लगता है कि म्यूजिक मेरे लिए परफेक्ट है। बिल्कुल, म्यूज़िक एक्चुअल में सभी लोगों के लिए परफेक्ट है। म्यूज़िक एक हीलिंग के रूप में काम करता है, किसी भी दर्द को कम करने के लिए। म्यूज़िक हमें शांत रखता है, म्यूज़िक में बहुत बड़ी ताकत है, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस पर तो एक बहुत बड़ा टॉपिक भी तैयार हो सकता है, लेकिन हम इसकी चर्चा अभी ना करते हुए हम मिस्टर रजत से पूछना चाहेंगे कि मिस्टर रजत, सबसे पहले जनता को आप अपनी परफॉर्मेंस दिखा दीजिए बहुत अच्छी, जिससे जनता आपके हुनर को जान ले और ये बता दीजिए कि आपका एग्जिस्टेंस भी इस भारत देश में अव्वल है। तो आप शुरू करिए प्लीज, हम चाहते हैं। ठीक है। बात है, इस म्यूजिक में हमें तो बिल्कुल खो ही गए। मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एक ऐसा म्यूजिक बज रहा है जिससे मेरा माइंड शार्प हो रहा था। तो मिस्टर रजत, आपने ये कौन सी धुन बजाई थी? ये एक्चुअली एक बहुत फेमस गिटारिस्ट है, अमीन तूफानी। अच्छा, अमीन तूफानी। हाँ, उनका खुद का पैटर्न है ये। अच्छा, तो उन्होंने आई थिंक शायद 2015 या 2016 में प्ले किया था। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले इजाद किया था इसका? हाँ, उन्हीं का है। तो काफी लोग ये इसे प्ले करते हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। नहीं, आपने भी बहुत अच्छा प्ले करा और इस चीज को आप सभी लोगों ने भी देखा होगा, तो इस पे एक लाइक तो बनता है कि एक ऐसी परफॉर्मेंस जो सबसे ऐसे होनहार शख्स की बजाई गई जो एक्चुअल में हर कोई नहीं बजा सकता। तो आपको कैसा फील हुआ जब सबसे पहले आपने गिटार पकड़ा था? आपको बहुत खुशी मिली? हाँ, मुझे बहुत खुशी मिली कि एक गिटार है मेरे पास, अब एक शुरुआत हो सकती है म्यूज़िक की। बिल्कुल, मेरी लाइफ की बिल्कुल हो सकती है। अच्छा मिस्टर रजत, जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा लेवल जो है ये ले चुका है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कोरोना वायरस है या लोग इसको इतना बड़ा चढ़ा रहे हैं कि ये हो या ना हो, लेकिन लग रहा है कि है? आई थिंक जब 2020 में मार्च में लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे मुझे क्या, सभी को लगा कि आई थिंक शायद कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ है। उस समय लोग बहुत डर गए थे और लॉकडाउन लगा, तो
तो उस समय हमें लगा कि लॉकडाउन जो लग रहा है वाकई में लगना चाहिए। अच्छा, लेकिन उसके बाद अगर सितंबर के बाद कोरोना रुक गया। अच्छा, जबकि उस टाइम पे वैक्सीन नहीं थी। ठीक है, दिसंबर में वैक्सीन नहीं थी, जनवरी में वैक्सीन नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब वैक्सीन आ गई है तो ये कहा जा रहा है कि लोग मर रहे हैं, जबकि वैक्सीन होते हुए भी लोग मर रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है। वैसे ये पॉइंट बहुत सोचने लायक है, क्योंकि हम लोगों को अपने ज्ञान का यूज़ करना है, हमें अपनी इंटेलेक्चुअलिटी का यूज़ करना है, हमने जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करी है उसका भी यूज़ करना है। और मिस्टर रजत ने साफ साफ कह दिया कि अगर वैक्सीन है तो भी अगर लॉकडाउन है तो फिर या तो वैक्सीन का कोई औचित्य नहीं बनता या फिर लॉकडाउन का कोई औचित्य नहीं बनता, या फिर हम कह सकते हैं कि इन दोनों चीज़ों का ही कोई औचित्य नहीं बनता। एक बात और कहना चाहूँगा ऑडियंस में कि कभी भी आप ये ना सोचें कि आप सामने वाला सही है, क्या पता बड़े बड़े अच्छे लोग गलत हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मेरे सामने ऐसा हुआ कि बहुत लोग गलत होते हैं और कुछ लोग गलत कहे जाते हैं। और दूसरी बात जो है, अपने माइंड से सोचिए कि एक्चुअल में सही क्या है, अपना दिमाग चलाइए। जब आप अपना दिमाग चलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी में एक्चुअल में हो क्या रहा और है क्या। अपने पास से सोचिए, मैंने देखा कि लोग खुद से नहीं सोचते हैं, दूसरे ने कहा कि कोरोना है, लगा लिए मास्क वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है, लोग डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि उन्हें सपने भी आ रहे हैं, सपने भी आ रहे हैं कोरोना के, कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो काफ़ी ये इल्यूजन क्रिएट करा गया, और ह्यूमर भी है हम लोगों के लिए कि वैक्सीन है तो भी लॉकडाउन है, और लॉकडाउन था तो वैक्सीन नहीं थी, अब दोनों चीज़ होने के बाद भी अगर कोरोना नहीं थम रहा है तो उसका क्या औचित्य बनता है, ये तो हमें भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो रजत, ये किस तरीके से स्टूडेंट की लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक गिटारिस्ट हैं एक और साथ साथ एक बहुत ही अच्छे पियानिस्ट भी हैं, तो आपकी लाइफ को कितना अफेक्ट कर रहा है कि आप वहाँ जा पा रहे हैं जहाँ आपको जाने की ज़रूरत है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पहुँच पा रहा। अभी एक फ्रेंड कॉल आया था कि रजत दिल्ली आ जा। अच्छा, तो मैंने सोचा चलो चला जाता हूँ। फिर उसके बाद की बात हुई कि कोरोना आ गया, फिर मैंने सोचा अगर कोरोना आ गया, अगर वहाँ लॉकडाउन लग गया तो मैं फंस जाऊँगा और मेरे पास इतना मैं एफोर्ड नहीं कर पाऊँगा कि मैं वहाँ रह सकूँ, क्योंकि एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ और एक फार्मर का लड़का हूँ मैं। हाँ, एक फार्मर के लड़के हैं मिस्टर रजत, एक फार्मर के लड़के हैं, ये इनकी ताकत है, इनकी कमज़ोरी ना समझिएगा। और जिस तरीके से मिस्टर रजत ने अपनी बात रखी है, हमें लगता है कि हमें रजत जैसे और लड़कों से कुछ सीखना चाहिए कि हमें अपने ज्ञान का यूटिलाइज करना है, हमें अपने माइंड का यूज़ करना है, ना कि उसके माइंड का यूज़ करना है, क्योंकि दूसरा क्या कह रहा है ये मैटर तब करता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि दोनों का तालमेल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिस्टर रजत, आप बहुत ही अच्छे जो कि एक सिंगर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिंगिंग भी बहुत अच्छी करी है, गिटारिस्ट भी हैं, पियानिस्ट भी हैं। इसी सीरीज़ को हम आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो मीडिया ने, सबसे ज़्यादा मैं इसे मीडिया को मानता हूँ, मीडिया ने जितना जहर घोला है ना इस पूरी दुनिया में, उतना तो शायद आज तक किसी सांप में नहीं हुआ इतना जहर। सही कह रहा हूँ मैं, मतलब इतना जहर उगला है कि इसी जहर को ख़त्म करने के लिए हम सभी लोगों ने ये दायित्व उठाया है कि अब इस दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ बरसात होगी तो अमृत की। यहाँ पर धाराएं अगर चलेंगी तो ऐसे नौजवान, एक ऐसे अच्छे स्टूडेंट की जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया तक जा सके, इनकी आवाज़ दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुर्सियों को हिला सके। और ये ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम लोगों को इतना है कि हम लोग अपने जो कर्म कर रहे हैं उसी कर्म को बनाए रखें। मीडिया जो कि हमें जो दिखा रही है उसको ना देख के हम वो देखें जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है। मिस्टर रजत सिंगिंग करते हैं, आज तक मैंने कभी उन्हें देखा नहीं कि वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स पे बात करें या सबसे ज़्यादा धर्म पे बात करें। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मिस्टर रजत ने हमेशा अपनी सिंगिंग को इम्पोर्टेंस दिया। सिंगिंग से मिस्टर रजत का और गिटारिस्ट से पियानिस्ट बनने तक का ये जो सफ़र है इनका, एक बहुत ही लवेबल सफ़र है। और ये सफ़र ये बहुत ही दिल से, जिस्म से, जान से, तीनों रूप से ये स्वीकार करते हैं। तो मिस्टर रजत, आखिर में हम बात को कंक्लूड करते हुए, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से, प्लीज़ बताएं। अगर आपके दिल में कोई बात है सिंगिंग को लेकर, स्टूडेंट की लाइफ को लेकर, गरीबी को लेकर, तो प्लीज़ बताएं। यही कि दूसरे को सुनी पे ना जाएं, अपने अंदर एक आत्मविश्वास रखें, एक इच्छा शक्ति रखें कुछ भी करने के लिए। और दूसरी बात, किसी पर भी ऐसी भरोसा ना कर लें, अपनी सुने हमेशा, और एक सही शक्ति का उपयोग करें।
मतलब अपने अंदर की जो शक्ति है उसे निकालें। जैसा कि शक्तिमान ने भी ये कहा था कि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान। तो चलिए इसी आशा के साथ धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर से लौटेंगे इसी उम्मीद और इसी नई किरण और इसी अमृत की धारा को प्रवाह करते हुए। धन्यवाद।